विजय डायग्नोस्टिक्स सर, इस आईपीओ में क्या करना है? आईपीओ में इसमें भी सेम ही है। मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिख रही थी कि दोनों आईपीओ में है ना एनालिसिस में ज्यादा फर्क नहीं है, मिलते जुलते पॉजिटिव है, मिलते जुलते नेगेटिव है, और मिलते जुलती ही रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन तो एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा क्या है, प्रमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस है, 1981 से इस बिजनेस में है, 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और इनके प्रमोटर्स को पद्मश्री से लेकर बड़े बड़े सम्मान मिल चुके हैं, तो अच्छी इमेज है, क्रेडिबिलिटी है प्रमोटर्स की, ये एक अच्छी बात है। ग्रोथ में अच्छी इम्प्रेसिव प्रोग्रेस देखिए पिछले कई सालों से, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, यहाँ भी वही बात है, कंपनी का बेस छोटा है। आप ये डायग्नोस्टिक वाली कंपनी है, अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपोलिस और इनसे कंपेयर करेंगे तो बड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन छोटे बेस पर अच्छी ग्रोथ अब तक दिखाई है। एक और अच्छी बात है कि डेट फ्री कंपनी है, 225 करोड़ का कैश है कंपनी के पास में, और फ्री कैश फ्लो काफ़ी हेल्दी है, तो लगातार पैसा आ रहा है। बिजनेस भी ऐसा ही है, यहाँ पर जनरली डेट फ्री होती है, एक्सपेंशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगता है। वैल्यूशन यहाँ पर भी रीजनेबल है, लेकिन वही वाली बात है, रीजनेबल वैल्यूशन है तो कंपनी की साइज भी छोटी है, तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी के लिए। अब आपको नेगेटिव बता दूं, नेगेटिव में ये कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा, प्रमोटर्स और कुछ दूसरे शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी स्टेक बेच रहे हैं, तो पैसा कंपनी के पास जाने वाला नहीं है, तो कंपनी के लिए एक्सपांशन या कैपेक्स के लिए कोई पैसा है नहीं, और कैपेक्स करने की इनको जरूरत है, एक्सपांशन करने की जरूरत भी है, और जरूरत क्यों है उसका दूसरा बड़ा कारण है कि सारा का सारा बिजनेस मैक्सिमम इनका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग है, इसलिए हम दो राज्य बोल देते हैं, नहीं तो एक तरह से देखा जाए तो एक ही राज्य में, और एक राज्य में भी मैक्सिमम बिजनेस हैदराबाद में है, तो एक ज्योग्राफी के लिहाज से इनको एक्सपांड करना बहुत जरूरी है। और हाल ही में कृष्णा जो वो भी हैदराबाद की कंपनी, कृष्णा डायग्नोस्टिक, वो भी लिस्ट हो चुकी है, तो हैदराबाद की कंपनियां वो भी डायग्नोस्टिक स्पेस से दो बड़े प्लेयर्स लिस्ट हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तीसरा, ये बिजनेस बड़ा कॉम्पिटिटिव है, ढेर सारे बड़े प्लेयर्स हैं, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी हैं, तो ये सारा कंपटीशन है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ आप मौका देख सकते हैं अप्लाई करने का। लिस्टिंग गेन के लिए आज से ना लगाएं, कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन बनेगा इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है, तो अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए। जी दी, क्लियर। तो इस आईपीओ में भी लॉन्ग टर्म व्यू ही रखना है, ये क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। तो दोनों आईपीओ, पैसा अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू से लगाएं, लिस्टिंग गेन मिले तो आपके लक की बात है। तो चलिए, इन दोनों आईपीओ पे है हमारी नजर, पर आइए अब बाजार में और कौन